Good evening everyone. Once again, welcome back to my channel Mindful English with Shivani Sharma. आज का टॉपिक है डायलॉग फॉर्म रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच मीन्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसको हम नरेशन भी बोलते हैं. इसकी पहले की एक दो वीडियोज में दो वीडियोज डाल चुकी हूँ, लेकिन उसके आगे वाली जो चीज़ है कुछ उसको मैं आगे वाला जो एक स्टेप है और है उसको मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगी. क्योंकि जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है वो 9th 10th क्लास में आके फिर वो डायलॉग फॉर्म में आते हैं. बच्चों के लिए वो सिंपल वाले करना थोड़ा सा आसान रहता है, लेकिन जैसे वो डायलॉग फॉर्म ले लेते हैं तो थोड़ी सी कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है उसमें बच्चों को. ठीक है, तो उसी डायलॉग फॉर्म को कैसे करना है, अपनी तरफ से हमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है, वो आज मैं आपको छोटी सी सेशन में बताऊँगी. बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं बनाऊँगी. फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं बताती हूँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो हाउ टू ट्रांसफॉर्म दोज कन्वर्सेशंस इनटू डायलॉग. फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ, ओके माय मदर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन आई एम गोइंग टू मार्केट, राइट, आई एम गोइंग टू मार्केट फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड. अगर मैं इसको सिंपल सेंटेंस सोचूँ, माई मदर told me that she was going to market. एक सिंपल सेंटेंस इसकी हमने इनडायरेक्ट स्पीच बना ली. ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है. जब हमने इसको इनडायरेक्ट स्पीच बनाई तो हमने इसको पास्ट कॉन्टिन्यूस बना दिया, राइट. माई मदर टोल्ड मी दैट शी वॉज गोइंग टू मार्केट, राइट. सपोज एक और सेंटेंस है, आई सेड टू माई मदर कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन I want to go with you, right? I want to go with you. Full stop. Inverted commas closed. I want to go with you. कौन सा टेंस है? Present indefinite है. जब हम इसकी indirect speech बनाएंगे, जब यहाँ पर said होगा, that means reported reporting verb है जो past में होगा, तो उसका tense past बन जाएगा. I told my mother that I wanted to go. I also wanted to go. अगर also वहाँ पर लगा हुआ, या simple I wanted to go with her. ठीक है, कि मैं भी उसके साथ, यानी कि अगर मैं इसको बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं इसी कॉन्वर्सेशन को अगर मैं इसको डायलॉग फॉर्म में बोलूँ, यही वाले सेंटेंस है. यहाँ पर तो आपने सिंपल सोच लिया, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस उसको हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर दिया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट उसको हमने पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दिया. क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये रिपोर्टिंग वर्ब है जो पास्ट में था, सेड था. ठीक है, सपोज अगर मैं इसको कहूँ, इन्हीं सेंटेंसेस के मैं आपको डायलॉग फॉर्म बना देती हूँ, राइट. कन्वर्सेशन किस किस के बीच में है? मेरे और मेरी मदर के बीच में. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई को मैं कोई नाम दे देती हूँ, शिवानी बोल देती हूँ, चलो कोई बात नहीं, शिवानी. ठीक है, शिवानी का डायलॉग क्या है? वेयर आर यू गोइंग? नहीं, अब शिवानी अपनी मदर से ऐसे पूछेगी, अच्छा नहीं लगता. मैं यहाँ पर पूछती हूँ, मदर का डायलॉग लगाती हूँ. ठीक है, मदर वेयर आर यू गोइंग? शिवानी ने क्या कहा? आई एम गोइंग टू मार्केट. आई एम गोइंग टू मार्केट. मदर ने कहा इस टाइम कौन सा मार्केट का जाने का टाइम है, ये जरूर झूठ बोल रही है मेरे से. तो मदर ने क्या कहा? ओके आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो विद यू, मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ. अब सीधा सीधा डांटेंगी तो वो नहीं मानेगी शिवानी, यानी कोई बात नहीं, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ. जो है शिवानी ने क्या कहा? नो आई एम गोइंग, नो मॉम. नो खाली कहना अच्छा नहीं लगता ना, हमें थोड़ा सा कर्सी का भी ध्यान रखना. नो मॉम आई एम गोइंग विद माई फ्रेंड. ठीक है, राइटिंग मेरी समझ लिया करो प्लीज. यहाँ पर देखो हमने कोई इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाया, सिंपल मैंने ये चार डायलॉग्स लगा दिए मदर और शिवानी के बीच में. ये मैं शिवानी नहीं हूँ, कोई और शिवानी है. ठीक है, तो मदर ने क्या कहा? वेयर आर यू गोइंग? दैट मीन्स मदर सेड टू शिवानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन वेयर आर यू गोइंग. तो हमने जब ऐसे सेंटेंसेस करने हैं थोड़ा सा इमेजिन करके देखना है कि अगर ये सिंपल उसमें होते तो हमने क्या करते. मदर आस्क्ड शिवानी वेयर शी वॉज गोइंग, और हम क्वेश्चन मार्क में वेयर वॉज शी गोइंग नहीं लगाना है, वेयर शी वॉज गोइंग. जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं
तो उसका जो क्वेश्चन मार्क है वो हट जाता है, हटाना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है, राइट। जब हम रिमूव करेंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब की जो प्लेसमेंट है वो चेंज हो जाती है। तो व्हाट विल वी डू, मदर आस्क्ड शिवानी वेयर शी वॉज गोइंग, वेयर वॉज शी गोइंग, अगर वेयर वॉज शी आएगा तो वो रॉन्ग हो जाएगा, वेयर शी वॉज गोइंग। शिवानी रिप्लाइड या फिर शिवानी टोल्ड हर मदर दैट शी वॉज गोइंग टू मार्केट। यहाँ तक तो आपको सब बच्चे सही कर लेते ज्यादातर। उसके बाद के ऑन दिस, यानी कि वो सुनने के बाद फर्दर, उसके बाद मदर टोल्ड हर या फिर मदर सेड या फिर मदर एक्सप्रेस्ड हर डिजायर। तो ये आपको देखना पड़ेगा आपको कौन सा सेंटेंस यूज करना। मदर सेड भी लगा सकते हो, मदर टोल्ड शिवानी भी लगा सकते हो, मदर फर्दर भी लगा सकते हो, फर्दर मदर टोल्ड हर दैट शी ऑल्सो वॉन्टेड टू गो विद हर, राइट। शिवानी एक्सप्रेस्ड हर नेगेटिव रिप्लाई, ठीक है, उसने कहा नो मॉम, ठीक है, या फिर शिवानी एक्सप्रेस्ड, शिवानी रिप्लाइड इन नेगेटिव एंड टोल्ड हर मदर दैट शी वॉज गोइंग विद हर फ्रेंड, राइट। मुझे लगता है आपको समझ आ जाना चाहिए इसके बाद, ठीक। आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायलॉग फॉर्म्स को, अगर आप में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, डायलॉग फॉर्म को सिंपल सेंटेंस में सोच लेना है, उसके अंदर आपने अपनी लैंग्वेज सेंटेंस डाल देने हैं, और उसके बाद क्योंकि ऑन दिस फर्दर शी रिप्लाइड इन नेगेटिव, है ना, शी डिड नॉट वॉन्ट हर मदर टू गो, जो भी आपको सेंटेंस यूज करने हैं, बट अकॉर्डिंग टू द, लेकिन ये जो हम रूल्स लगा के करेंगे उसमें जो है सही रूल का यूज करना, ठीक है। तो मुझे लगता है ये काफी क्लियर हो गए होंगे, इतने एक एक एक्सरसाइज करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे लगे, ओके। सो टिल माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, कीप ऑन वॉचिंग माइंडफुल इंग्लिश विद शिवानी शर्मा एंड शेयर इट विद अदर्स ऑल्सो, थैंक यू।